हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, सितंबर के महीने में मतलब कि 5 सितंबर को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था तमिल लैंग्वेज की मूवी द गोट, मतलब कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर थलपति विजय, स्नेहा, प्रभुदेवा, मीनाक्षी चौधरी के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिले थे। जहाँ पे द गोट मूवी को अब तक थिएटर्स में रिलीज हुए 14 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 14 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। चूंकि करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे द गोट मूवी का जो टोटल बजट था वो लगभग 400 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 6000 के आसपास के स्क्रीन प्लेस किया गया। जहाँ पे इस मूवी को लेकर शुरुआत से ऑडियंस के बीच में अच्छा खासा हाइप क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस मूवी का जो एडवांस टिकट बुकिंग था वो भी हमें काफी अच्छा देखने को मिला और ये मूवी अपनी रिलीज होने के फर्स्ट डे को पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 103 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का रिव्यू थोड़ा सा मिक्स निकलने के बाद भी इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हमें काफी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला है। जहाँ पे द गोट मूवी अपनी रिलीज होने के लगभग 13 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 419 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे क्रॉस कलेक्शन कर चुका था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 14 को लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें कि इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया से ही लगभग 3.5 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें कि इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में अपने डे 14 को लगभग 30 लाख के आसपास का कलेक्शन किया है। जिस कलेक्शन को अगर इस मूवी के 13 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे द गोट मूवी के 14 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है लगभग 423 करोड़ 80 लाख के आसपास का चला जाता है, जिसमें कि इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया से ही लगभग 230 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया है, जिसका कि जो क्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 273 करोड़ 80 लाख के आसपास का चला जाता है। तो उस कलेक्शन के सामने इस मूवी का टोटल बजट जो कि लगभग 400 करोड़ के आसपास का था और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे हिट का टैग लेना था उसे 410 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना पड़ता। जो कलेक्शन तो एक तरीके से मूवी वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन के मामले में कर ही चुका है और इस मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है उसे लगभग 190 करोड़ के आसपास के अमाउंट में बेचा गया था। तो उस चीज को देखते हुए एक बात तो पता चली जाता है कि द गोट मूवी एक तरीके से एक सक्सेसफुल मूवी बन चुका है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी को अगर थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लिए क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।